أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين Dear students, Assalamu alaikum. आज हम अपना नया चैप्टर चैप्टर नंबर 4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स स्टार्ट करें। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए स्क्वायर किसे कहते हैं। स्क्वायर किसे कहते हैं? When a number is multiplied by itself, the product is known as the square of that number. कोई भी नंबर हो हमारे पास, उस नंबर को अगर हम दोबारा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है? एक नंबर है हमारे पास सपोज 4, उसको हम क्या करें, इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दें इसी नंबर से, ठीक है? तो जो हमें जवाब मिलेगा, जो प्रोडक्ट उसका होगा 4 4 16, ये क्या कहलाएगा? ये इसका स्क्वायर कहलाएगा। और इसको समझने के लिए आप ये समझते हैं कि 4 और 4 है, इस 4 को जब दो दफा लिखा होता है ये 4, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 2, ठीक है, और इज इक्वल टू 16, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो ये जो चीज कहलाती है जो इसकी पावर 2 है बेसिकली स्क्वायर कहलाती है, ठीक है ना, कि हमने इसको डबल कर दिया। तो स्क्वायर की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, यानी जब उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, द प्रोडक्ट जो हमें जवाब मिलेगा उसका, यानी इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है उसका जो जवाब है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। कि ये जो जवाब है ये इस नंबर का जिसको हमने जिससे मल्टीप्लाई किया सेम ही नंबर से, तो उसका क्या है, ये स्क्वायर है नंबर। तो ये तो होती है स्क्वायर की डेफिनेशन। अब ये जो डेफिनेशन है इसके अंदर हम इन्होंने कहा है कि कोई भी नंबर, नंबर्स तो आपको पता है ना बहुत सारे नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, जिसमें डेसिमल भी आ जाते हैं, फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं। तो इन्होंने अभी स्क्वायर में जो बात कही है वो एक जनरल बात कही है, ठीक है ना। जनरल बात से मतलब ये है कि वो नंबर जो है वो 4 के अलावा क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कोई नंबर कि हम इसको कहते हैं 2.5, एक नंबर है, ठीक है ना, और 2.5 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 2.5 से, तो हमें जो जवाब मिलेगा वो क्या मिलेगा, बेसिकली वो मिलेगा क्या, ठीक है। तो एक नंबर था उसको हमने उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका जो प्रोडक्ट है या जो आंसर है वो क्या कहलाएगा, वो इस नंबर का स्क्वायर कहलाएगा। तो स्क्वायर जो है वो हम किसी भी चीज का कर सकते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में कोई चीज दी हुई हो या डेसिमल में दी हुई हो या कोई भी रियल नंबर हो, उन सबका जब भी करेंगे स्क्वायर है। ये तो थी स्क्वायर की डेफिनेशन। अब स्क्वायर के बाद एक चीज आ जाती है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, वो आ जाती है आपके पास क्या, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो हम किसे कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो होता है कि अगर हम स्क्वायर में, तो हमने कहा था ना कोई भी नंबर हो, फ्रैक्शन में भी नंबर हो सकता था, डेसिमल में भी नंबर हो सकता था, उनको हमने मल्टीप्लाई किया था उसी नंबर से, तो जो भी जवाब आएगा वो क्या कहलाता है, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। लेकिन अगर हम सिर्फ इंटीजर्स को, दो इंटीजर्स हैं आपस में, उनको मल्टीप्लाई करें तो जो कि सेम वैल्यू के हैं, तो उसका जो जवाब आएगा वो क्या कहलाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। यानी दो इंटीजर्स को अगर हम सेम वैल्यू के आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो जो जवाब होगा वो क्या कहलाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या हैं। तो ये तमाम चीजें हमने जो पहला चैप्टर था उसके अंदर तमाम चीजें पढ़ी थी नंबर सिस्टम के अंदर, कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं, रेशनल नंबर और डेसिमल्स वगैरह तमाम चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इंटीजर जो है वो बेसिकली कौन से नंबर होते हैं, जो कि 0 1 2 3 4 इस तरफ चलते चले जाते हैं, और इसी तरह से यहाँ पे निगेटिव के अंदर भी -1 -2 -3 इस तरफ चलते चले जाते हैं। तो ये जो नंबर होते हैं ये कौन से नंबर होते हैं, ये इंटीजर होते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है कि अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स ले लें, ठीक है, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करें जो कि क्या हो, सेम वैल्यू के हो। सेम वैल्यू से मतलब ये कि सपोज 3 है, हमने 3 लिया और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो 3 3 से क्या जवाब आया आपके पास, 9।
तो 9 जो है वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं होता, यानी डेसिमल नहीं होता उसके अंदर ना। अगर इसके जवाब में कोई डेसिमल नंबर आ जाए आपको तो वो फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर वो होगा कि अगर आपने दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया तो जवाब आपका एक और इंटीजर आ जाए। तो ठीक है, 9 भी इंटीजर ही है, ठीक है, तो 3 3 9 हो गया। इसी तरह से अगर हम 8 कर लें, 8 को मल्टीप्लाई करें 8 से, तो क्या जवाब आ जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 64 भी जो है वो क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर है। और किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 9 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में तो कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे कोई डेसिमल नंबर जैसे कि मैंने बताया था हो, या कोई आपके पास फ्रैक्शन में नंबर हो तो उसका हम स्क्वायर करेंगे, तो जो भी जवाब आएगा वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ वो नंबर होते हैं जो दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से हासिल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर की एक चीज होती है अपोजिट, इनवर्स समझ ले आप, ठीक है। जैसे क्या माना जाए, जवाब क्या आया था, 8 8 64, तो ये तो जवाब आ गया क्या हो गया, 64 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 8 का। तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इसको रीड पढ़ करेंगे तो 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8, ठीक है। तो 64 जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 8 का। अच्छा, अब नंबर 3 जो है वो क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है, द नंबर दैट फॉर्म्स अ स्क्वायर, वो नंबर जिसने क्या किया, स्क्वायर फॉर्म किया। यानी हमने कहा था ना कि एक नंबर है, हमने उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नंबर जिसको हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर से, तो जब उसको मल्टीप्लाई किया जाता है उसी नंबर से, तो जो जवाब हासिल होता है हमें, ठीक है ना, जो प्रोडक्ट हासिल हुई हमें, तो वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर जिससे बना, तो वो नंबर जो होता है वो क्या कहलाता है, उस परफेक्ट स्क्वायर का क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट कहलाता है। जैसे हमने यहां कहा था ना कि 64 क्या था, इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8, ठीक है। तो इसी चीज को अब हम स्क्वायर रूट केस में पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, अब इसी चीज को, इसको हम क्या कहेंगे, अगर स्क्वायर रूट में कहेंगे तो हम कहेंगे 8 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 64, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट हो गया। पहले हमने कहा था 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8, अब हम कहेंगे अगर हम इसका स्क्वायर रूट कह रहे हैं, क्योंकि 8 वो नंबर है जिससे हमें क्या हुआ था, परफेक्ट स्क्वायर हासिल हुआ था, तो अब हम इसको कहेंगे 8 वो नंबर है, 8 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर से क्या मुराद है और स्क्वायर रूट से क्या मुराद है। आप लोग ये तमाम डेफिनेशन जो है स्क्वायर की, परफेक्ट स्क्वायर की और स्क्वायर रूट की, अब आप जब अपना चैप्टर शुरू करेंगे तो सबसे पहले अपना टाइटल पेज बनाएंगे, ठीक है ना, ये चैप्टर नंबर 4 का टाइटल पेज बनाएंगे जो कि होगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट का, और उसके बाद सबसे पहले आप ये 3 डेफिनेशंस लिख लेंगे उसके ऊपर, आपने उसके ऊपर स्क्वायर की, परफेक्ट स्क्वायर की और स्क्वायर रूट की। अब इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ मैं आपको उसमें मुताबिक चीजें बताता हूं कि क्या होते हैं वो, और इसके बाद जो है फिर हम इसके हवाले से जो पहली इसकी एक्सरसाइज है वो करेंगे जो कि 4A एक्सरसाइज। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि इंटीजर्स में हमने कहा था कि इंटीजर्स आपको पता है वो नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, तो हमने परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या किया था कि कोई भी दो इंटीजर्स हो उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब जो आएगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा हमारे पास जवाब। तो आप इसको यूं भी समझ सकते हैं इस तरीके से कि इंटीजर्स तो आपको पता है कौन से होते हैं, इंटीजर्स मैं पहले लिख देता हूं 0 1 2 3 4 5 इस तरफ चलते चले जा रहे हैं इंफिनिटी,
ठीक है। इसी तरह से यहां पे मैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर और इस तरह से चलते चले आ रहे हैं इंफिनिटी तक। ये क्या है, ये इंटीजर्स है आपके पास। तो इंटीजर्स आप देख रहे हैं पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अभी जो हमने एग्जाम्पल की थी वो पॉजिटिव नंबर्स ले लिए थे, तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर मैं यहां से शुरू करूं वन से, ठीक है ना, तो वन एक नंबर था उसको मैंने मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से, ठीक है ना, तो हमें जो जवाब मिलेगा वो क्या मिलेगा, जो भी जवाब मिलेगा वन वन से क्या हुआ वन, तो ये क्या कहलाएगा, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं इस नंबर को यहाँ पे ले लू माइनस वन, तो माइनस वन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसी नंबर से सेम नंबर से, तो वन वन से तो जवाब आपको पता आ गया वन आ गया। और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस आपको पता है पहले पढ़ चुके हैं कि माइनस माइनस जो होता है जब दो लाइक ये आपके पास टर्म आ जाती है माइनस माइनस की, तो वो क्या होती है, वो प्लस हो जाती है। तो अगर आप दो नेगेटिव नंबर्स को भी इंटीजर्स को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने क्या देखा कि जवाब आपके पास पॉजिटिव आ गया। तो जो नंबर है वो मे बी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो क्या हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसी नंबर को देखेंगे टू इंटू टू तो ये क्या हो जाएगा फोर, थ्री इंटू थ्री नाइन, फोर इंटू फोर सिक्सटीन, फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव, ठीक है। तो ये सब क्या आ रहा है आपके पास, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। ये वन का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया वन, टू का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया फोर, थ्री का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया नाइन, ठीक है। और अगर आप इसको अपोजिट पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, तो ये इसके अपोजिट आएंगे। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 6 into 6 is equal to 36, 7 into 7 is equal to 49, 8 into 8 is equal to 64, 9 into 9 is equal to 81 और 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। तो हमारे जो शुरू के 10 नंबर हैं, जो 10 इंटीजर्स थे हमारे पास 1 से लेकर 10 तक, उनको जब हमने सेम उन्हीं उससे मल्टीप्लाई किया तो ये जो हमारे पास आंसर आया ये क्या आया, परफेक्ट स्क्वायर। यानी हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास नंबर्स थे, नंबर्स, और ये इसका क्या आ गया आपके पास, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने का तरीका तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जो भी आपको नंबर दिया गया है उसी नंबर को दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से, तो जो जवाब आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा अगर नंबर इंटीजर है। और अगर नंबर इंटीजर नहीं है, कोई और नंबर है, सपोज कोई डेसिमल नंबर है, तो वो फिर उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से उसको आप स्क्वायर कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। परफेक्ट स्क्वायर से वो कहलाते हैं जिसमें हमारे पास जो आंसर है वो डेसिमल में नहीं होने चाहिए। इसी तरह से अगर आप इस तमाम सेम नंबर को देखेंगे कि अगर मैं तमाम को निगेटिव में ले लूं तो माइनस टू इंटू माइनस टू तो भी जवाब फोर, माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री तो नाइन, माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर तो क्या जवाब हो गया सिक्सटीन, माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव है तो ट्वेंटी फाइव, माइनस सिक्स इंटू माइनस सिक्स है तो जवाब आ गया आपके पास थर्टी सिक्स, माइनस सेवन इंटू माइनस सेवन है तो जवाब आपके पास क्या आ गया 49, माइनस एट इंटू माइनस एट है तो जवाब आ गया आपके पास 64, माइनस नाइन इंटू नाइन है तो जवाब आ गया आपके पास 81, और माइनस टेन इंटू टेन है, माइनस टेन है तो जवाब आ गया आपके पास 100। तो आपने ये देखा कि अगर हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे इंटीजर्स जो कि हमारे पास निगेटिव इंटीजर्स हैं उनको भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जवाब क्या हासिल होता है, एक पॉजिटिव परफेक्ट नंबर ही हासिल होता है, ठीक है। तो हम तो यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है इस वक्त इस लेवल पे हम सारे पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर्स की ही बात करेंगे। तो ये चीज एक चीज आपको क्लियर करने के लिए ये थी कि अगर आप इधर से निगेटिव कोई भी आप इंटीजर उठाते हैं और उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो देखिए क्या आता है, एक पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर ही आता है। अच्छा, अब एक चीज और है कि परफेक्ट स्क्वायर जैसे जो आपने निकाल लिया कि परफेक्ट स्क्वायर का बदल गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया,
तो आपको ये पता चल गया कि 1 से अगर 10 तक के आप परफेक्ट स्क्वायर लेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो कहां पे आ रहे हैं आपके पास 100 तक के अंदर आ रहे हैं। अब अगर आप 11 का लेंगे तो वो फिर 100 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आप लोग अपनी बुक के पेज नंबर 48 है उस पे देखेंगे तो वहां पे आप लोगों को क्या नजर आएगा, एक चार्ट नजर आएगा जिसके अंदर उन्होंने क्या किया है, एक इस तरह से ग्रिड बनाया हुआ है। आप देखेंगे ठीक है, और इसमें इस तरह से यू करके लाइंस की हुई है। ठीक है ना, 10 लाइन है और यहां पे 1 इस तरह से 2, 3 ऐसे करके नंबर लिखे गए। तो उसमें उन्होंने आपको सिर्फ बस यही बताने की कोशिश करी है कि जब हम ये हमारे पास जो नंबर्स हैं ऐसा आप चार्ट देख रहे होंगे बने हुए, ठीक है। अब इसमें उन्होंने क्या किया, 1 से लेके 100 तक पूरी अपनी काउंटिंग कर ली, 12, 13 इसी तरह से 21, 22 पूरी गए। तो इसमें अब आपको उन्होंने सिंपली ये दिखाया है कि अगर आप ये बताएंगे कि इसमें कौन कौन से परफेक्ट 1 से लेके 100 तक में, जब आप ये इस पर लिखेंगे तो काउंटिंग में यहाँ 100 आएगा कि 1 से लेके 100 तक में कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर कहलाते हैं, एक जैसे सपोज 4 है तो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 × 2 का। एक परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 1 है, ये किसका है, 1 × 1 का। फिर यहीं पर अगर आप करते हुए आएंगे तो यहां 16 आएगा, ठीक है ना। तो 4 × 4 का क्या होता है, 16, तो ये किसका हो जाएगा, 4 का। इसी तरह 9 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा, 3 का। फिर इसमें आएंगे आप तो 25 आएगा यहां पर, तो 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा, 5 × 5 का। इसी तरह से 36 जब यहां पे आएगा तो वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वो 6 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो टोटल जब आप यहां तक पहुंचेंगे तो ये 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा, 10 का, क्योंकि 10 × 10 होता है 100 होता है। तो आपके पास जो टोटल 100 तक नंबर है उसके अंदर कुल टोटल 10 परफेक्ट स्क्वायर आते हैं जिनकी वैल्यूज होती है 1, 4, 16, 25, 36 इस तरह से होती है, सही है। तो ये छोटी सी उन्होंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा चार्ट दिया है और आपको बताया है कि किस तरीके से आप इसके परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे क्या होगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज आती है टेस्टिंग के हवाले से कि अगर मैं कहूं आपको कोई भी नंबर दूं, आपको मैं कहूं ये एक नंबर है 256, ठीक है। अब ये नंबर है और मैं आपसे पूछूं कि ये नंबर क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको एकदम समझने में मुश्किल होगी कि भाई ये नंबर पता नहीं परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। यहां तक तो आपको पता है 100 तक के तो नंबर आपने कर लिए, सीख लिए, आपको मालूम है कि अगर कोई 64 होगा आप बता देंगे हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है, आपको पता चल गया ये 8 का है। यानी नॉर्मली लोग जो है वो 10 तक नंबरों के याद कर लेते हैं जबानी कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि बहुत यूज होते हैं। लेकिन अगर मैं कोई नंबर आपको दे दूं 256, तो अब ये चेक करने के लिए कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो इसका एक छोटा सा टेस्टिंग का प्रोसीजर होता है। और वो प्रोसीजर क्या है कि हम इसमें ये देखते हैं कि ये जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आया था ना, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट कौन सा होता है, यूनिट डिजिट होता है ये वाला जो पहला वाला नंबर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट। आगे वाला 10 वाला डिजिट कहलाता है, ठीक है ना, तो ये यूनिट है। तो हम ये देखते हैं कि यूनिट डिजिट जो है इस नंबर के क्या है, ये जो परफेक्ट स्क्वायर हमारे 10 आए इसके यूनिट डिजिट क्या है, इसका तो अंदर एक ही है तो 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 और 0। तो इसके यूनिट डिजिट जो ये है, तो ये वो नंबर है कि जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये किस नंबर पे एंड हो रहा है, 1, 4, 9, 6, 5, 9, 4, 1, 0 इन पे हो रहा है। अब हम ये चेक करते हैं, ये अभी हम चेक करेंगे भाई 256 की जो हम बात कर रहे थे वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमने ये देखा ये नंबर तो हो गया, अब अगर हम इससे अगेंस्ट इसके आगे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर देखें, ठीक है ना, ये तो 1 से लेकर 10 तक के थे ना। अब अगर आप इसको ये कहें कि ये नंबर जो है कुछ इस तरह से करना है, इसको 11 से शुरू करें, 11 × 11 क्या होगा, 121, सही है। फिर इसके बाद 12 × 12 क्या होगा,
जल्दी बताएं 144 13 × 30 क्या होगा 169। ये नंबर अभी फिलहाल तो आपको लगता है एकदम मुश्किल लगेंगे, लेकिन जब हम एग्जांपल्स करेंगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कम से कम 20 तक के स्क्वायर रूट ये जो है परफेक्ट स्क्वायर जो है वो खुद बहुत याद हो जाएंगे कि ये 121 जो था वो 11 का परफेक्ट स्क्वायर है, 144 जो है वो इसका है। इसी तरह से हम ये जितने भी नंबर है 14 × 14 करेंगे तो आएगा 196, 15 × 15 करेंगे तो जवाब आएगा 225, 16 × 16 करेंगे तो जवाब आएगा 256, 17 × 17 करेंगे तो क्या जवाब आएगा 289, 18 × 18 मल्टीप्लाई करेंगे यार आप तो क्या जवाब आएगा 324, 19 × 19 करेंगे तो क्या जवाब आएगा 361 और 20 × 20 करेंगे तो क्या जवाब आएगा 400। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि ये जो 10 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर का नंबर थे हमने उससे आगे उन नंबरों से आगे 11 से शुरू किया। अच्छा, अब इसके अंदर फिर आप नोट करें जरा सर, क्या नोट करना है आपने कि इनके यूनिट डिजिट क्या आया आपके पास, तो इनके यूनिट डिजिट भी देखें क्या है, 11 × 11 का यूनिट डिजिट क्या आया 1, इसका यूनिट डिजिट क्या आया 4, इसका यूनिट डिजिट क्या आया 9, इसका यूनिट डिजिट क्या आया 6, इसका यूनिट डिजिट क्या आया 5, इसका यूनिट डिजिट 6, इसका यूनिट डिजिट 9, इसका यूनिट डिजिट 4, इसका यूनिट डिजिट 1, इसका यूनिट डिजिट 0। तो अब आपको ऑब्जर्व क्या किया, आपने क्या मुशाहिदा किया कि यहां पे जब हमने 1 से लेके 10 तक के नंबर किए थे और इनके जब हमने परफेक्ट स्क्वायर निकाले थे और उनके जब हमने यूनिट डिजिट निकाले थे तो क्या है कि 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। ठीक है, तो अब अगर जब हमने 11 से लेके 20 तक के नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर निकाले तो हमारे पास यूनिट डिजिट देखें बिल्कुल सेम वही आ गए ना, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, तो ये सेम बिल्कुल वही नंबर है ना। तो इससे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इसका मतलब ये है कि ये पैटर्न को फॉलो करता है। परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं वो नंबर होते हैं जिनके आखिर में लाजमी तौर पे क्या आता है 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हो गया आपके पास कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया हो, जैसे ये मैंने कहा था 256 नंबर दिया गया और आपसे पूछा कि यार क्या था कि ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको ऐसा तो नहीं पता था कि ये क्या है, लेकिन अब आपको ये पता चल गया कि अगर इस नंबर के आखिर में 6 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो। लेकिन एक बात कंफर्म हो गई कि अगर मैं आपको कोई नंबर दे दूं 253 तो ये 253 जो है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ वही नंबर होते हैं जिनके आखिर में यूनिट डिजिट जो है वो इन नंबरों में से कोई आता है, यानी या तो 1 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा या 9 आएगा या 0 आएगा। तो अगर ये 6 डिजिट है किसी के आखिर के अंदर तो वो क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, वरना अदरवाइज कोई और नंबर है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कोई नंबर अगर मैं ले लूं 657 तो 657 परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, देखिए इसके आखिर में क्या है 7 और 7 जो है वो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता। आप बगैर देखे कह सकते हैं, ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं 658 तो इस नंबर के आखिर में क्या यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये जो नंबर है ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ वही नंबर हो सकते हैं जिनका पैटर्न जो है वो इस तरह से फॉलो हो रहा है। आप लोग एक घर में छोटी सी एक्सरसाइज कीजिएगा, जैसे आप मैंने 11 से लेकर 20 तक के भी लिखा है ना आपको सारे, आप लोग 21 से लेकर 30 तक के निकालिएगा और चेक कीजिएगा मल्टीप्लाई कर करके कि आपके पास जो नंबर आते हैं उसमें यूनिट डिजिट जो है वो यही वाला पैटर्न फॉलो होता है कि नहीं होता। आपने 1 से 10 तक देख लिया वो ये आया, आपने 11 से 20 तक देख लिया ये आ गया,
अब आप घर में एक चीज चेक कीजिएगा कि 21 से लेकर 30 तक के जो नंबर हैं उनको आप अपने मल्टीप्लाई कर करके देखिएगा कि उसके अंदर जो है वो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये पैटर्न अगर फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमने ये जो फार्मूला बनाया है ये बिल्कुल सही फार्मूला है। इससे कम से कम हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। एक नंबर में देखो 777, तो आपने देखा कि आंकड़ा जल्दी से 7 है, आपने कहा नहीं भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया बिल्कुल कि परफेक्ट स्क्वायर जो हो सकते हैं वो सिर्फ वो नंबर हो सकते हैं जिनके आखिर में ये आ रहा है। लेकिन ये भी कोई 100% श्योर नहीं होता कि यही नंबर परफेक्ट स्क्वायर लास्ट में होंगे। इसमें बस ये हो जाता है, एक पॉसिबिलिटी बन जाती है आपको, तकरीबन 50% ये हो जाता है कि जिन नंबर के आखिर के अंदर क्या आ रहा हो, ये नंबर आ रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। अलबत्ता जिन नंबरों के आखिर के अंदर ये वाले नंबर आ रहे हैं इसके अलावा जो नंबर है, जैसे कौन से नंबर है, ठीक है, फिर 3, फिर इसके बाद क्या है 7 और 8, अगर ये चार डिजिट किसी भी नंबर के आखिर में आएंगे तो वो क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये बात अलबत्ता 100% कंफर्म हो गई कि जिन नंबर के आखिर में 2, 3, 7 या 8 आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अलबत्ता जिन नंबर के आखिर में 1, 4, 5, 6, 9, 0, 0 जो है एज ए यूनिट डिजिट आ रहे होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। कंफर्म नहीं है कि होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन हो सकते हैं, ज्यादा चांसेस हैं कि वो होंगे। जैसे कि हमने एक नंबर लिया था 256, अब इसके आखिर में 6 आ रहा था तो इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। और फिर हमने जब आगे जाके देखा तो 256 जो है वो 16 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें पता लगा कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन 100% नहीं होता कि ये होगा। इसकी मिसाल भी आप किसी देख लें, कोई ऐसा नंबर ले लें कि जिसको आपने चेक करने के लिए कि वो आपने लिया और उसका पता चला कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे सपोज आपके पास ये टेबल था ना 100 तक का, ठीक है, इस टेबल के अंदर जैसे हम कह रहे हैं ना कि ये नंबर होते हैं जिनके आखिर में अगर आए तो परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस हैं। तो इसी तरह से अगर आप समझ लें कि किसी नंबर के आखिर में 9 आ रहा है, तो जैसे सपोज 69 एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है 69, तो 69 के आखिर में क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट में 9 आ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि 9 जिसके आखिर में आता है उसमें चांसेस होते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, लेकिन 69 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो ये जरूरी नहीं है कि जिनके आखिर में ये आए कि वो परफेक्ट स्क्वायर ही होंगे, लेकिन एक आपको एक चांस पता चल गया कि वो हो सकते हैं। अलबत्ता ये वाले जो नंबर है ये अगर किसी नंबर के आखिर में आ जाएंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमने आज स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर ये थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर के हवाले से ये चीजें पढ़ ली। अब हम इसके बाद ये देखेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर के इसमें आप आगे देखेंगे, आप पेज नंबर 51 के ऊपर एक चार्ट बना हुआ है जिसमें यहां पे इस तरह से कुछ चार्ट बने हुए हैं, यहां पर उन्होंने लिखा हुआ है नंबर्स और यहां पे आपके यहां पर दिया हुआ है आपको परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर दिए हुए हैं आपको, सपोज 1 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 16, 25, बीच में क्या है कि 9 रह गया, इस तरह से सारे दिए हुए हैं और आपसे कहा है कि आप क्या करें नंबर्स बताइए। ये भी कह सकते हैं वो आपसे, और यहां पे नंबर्स भी दे सकते हैं और आपसे कह सकते हैं कि आप बताइए किसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। तो जब वो कभी आपको ये नंबर्स दे दें, ठीक है, और आपसे कहें ये नंबर्स बताइए, तो इसका मतलब क्या है कि अब आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, इन नंबर्स इन परफेक्ट स्क्वायर का आप क्या करें स्क्वायर रूट बताइए। तो स्क्वायर रूट इसका क्या होगा कि अब आपको ये तलाश करना है कि वो कौन से दो नंबर्स हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई किया था तो जवाब हमारे पास क्या आ गया था, यानी ये दो नंबर हमें मालूम करने हैं ये कौन से सेम नंबर होंगे कि वो कौन से दो नंबर हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई किया था तो जवाब ये आया था। तो अभी तो ये तो बहुत आसान से आपको पता ही है 5 × 5, तो ये जो है यहाँ पे इसके अंदर जो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा वो क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा सारा, कि ये जो नंबर है ये 5 है इसके, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने अब ये तो शुरू के नंबर तो आसान है, आपने 20 तक के देख लिए कि भाई 400 तक है, तो अब हमें ये चेक करना है आगे जाके हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे जैसे 6, 6, 8, 5, 9, 6, अब आपको चेक करना है ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो अब इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये नंबर परफेक्ट है स्क्वायर है कि नहीं है, तो उसके कुछ मेथड होते हैं, ठीक है, और वो मेथड जो है वो हमने पिछली क्लास में पढ़े भी थे। अब ये देखना है कि आपको किस हद तक वो याद है,
क्लास 6 में हमने कुछ मेथड पढ़े थे, यदि मैं जिक्र करता हूं उनका तो आपको पता चलेगा कि वो नंबर क्या है। अब ये जो हमें परफेक्ट स्क्वायर मालूम करना हो, इसको आप यहां लिख सकते हैं मेथड फॉर फाइंडिंग परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, मेथड फॉर फाइंडिंग परफेक्ट स्क्वायर क्या हो? तो मेथड जो होते हैं वो दो होते हैं जिससे हम परफेक्ट स्क्वायर मालूम करते हैं। तो पहला मेथड जो है जिससे हम मालूम करते हैं परफेक्ट स्क्वायर, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। याद आया, ये आपने पढ़ा था 6 क्लास के अंदर। ठीक है, पहला मेथड होता है परफेक्ट स्क्वायर मालूम करने का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा मेथड होता है जिससे हम परफेक्ट स्क्वायर मालूम करते हैं वो होता है बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो अब हम जो इसके अंदर मालूम करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ये बेसिकली आपकी एक्सरसाइज जो है 4a है, और जब हम डिवीजन मेथड से करेंगे वो आपकी एक्सरसाइज 4b है। ठीक है, तो अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और एक्सरसाइज के अंदर भी बहुत सारे सवाल आ चीजें आती जाएगी, तो उसको हम दोबारा से वो करेंगे अपने आप को, तो इंशाल्लाह ताला हमें चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर रूट को किस तरीके से हम मालूम करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। अब आपका जो मेन काम है ना सब्जेक्ट आज के लेक्चर के बाद, आज के लेक्चर के बाद आपका मेन काम ये है कि आपने इस तरह करके दो कॉलम बनाने, पहले तो काम ये था कि डेफिनेशन लिखनी है आपने। ठीक है, आपने डेफिनेशन लिखनी है, तीनों जो मैंने शुरू में आपको बताएंगे, फिर यहाँ पे आपने लिखना है नंबर्स। ठीक है, और नंबर्स के बाद यहाँ पे आपने लिखना है इनके क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ नंबर्स में आप पहले क्या लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और इन सबके परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरह फिर दोबारा यही कॉलम बनाएंगे या उसी कॉलम को आगे कंटिन्यू कर लेंगे, उसमें आप चेक करेंगे यहाँ पे 11 से शुरू करेंगे और 20 तक आएंगे। ठीक है, और तीसरा एक बनाएंगे आप यहीं पे कॉलम इसी तरह से सेम बना के, ये बुक में भी चार्ट दिया हुआ है वहां से आप देख सकते हैं, लेकिन अपनी नोटबुक्स के अंदर आप लोग खुद बनाएंगे पूरा, 21 से लेके 30 तक नंबर लेंगे और इन सब पे लिखेंगे, और इसके बाद आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि इन तमाम के जो यूनिट डिजिट निकल के आए, यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट्स को देखेंगे कि वो जो बात पहले आपको बताई थी 1, 4, 9 इस तरह करके आ रहे थे आखिर में, वो देखिएगा तीनों में सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं तक रखते हैं कि इसके अंदर हमने थोड़ी थ्योरी पढ़ ली, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, और परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, और हमें पता चल गया कि परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से हासिल होते हैं, स्क्वायर्स जो होते हैं वो किसी भी दो नंबर्स को चाहे वो डेसिमल्स हो उनको मल्टीप्लाई करने से हासिल होते हैं, और स्क्वायर रूट जो होते हैं वो कैसे हासिल होते हैं, वो नंबर होता है जिससे वो स्क्वायर बन के आ रहा होता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट को भी अभी आप इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम एग्जांपल्स कर रहे होंगे तो हमारे पास कुछ नंबर होंगे जिनके हमने परफेक्ट स्क्वायर निकालने हैं, कुछ हमारे पास नंबर होंगे जिनके हमें स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो वो जो दो मेथड मैंने आपको बताए हैं कि क्या होते हैं वो दो मेथड, एक बाय प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से हम करते हैं, और एक बाय डिवीजन मेथड। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपनी एक्सरसाइज 4a शुरू करेंगे, जिसमें हमें ये सब पता चलेगा कि कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालते हैं। ओके, जज़ाकअल्लाह।